हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंटासी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो मैच खेला जाएगा वुमेंस का दूसरा वाला मैच खेला जाएगा, इस मैच की बात यहाँ पर करेंगे। ये मैच साउथम्पटन में मैच खेला जाएगा फ्रेंड। न्यूट्रल विकेट है, यहाँ पे विकेट्स भी अच्छी खासी मिल जाती है और स्कोर भी यहाँ पे 130 या 130 to 150 के आसपास यहाँ पे स्कोर बन जाता है। तो फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं इस टीम के बारे में, क्या हमारी टीम रहने वाली, क्या हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट इस टीम के लिए रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो बने रही हमारे चैनल के साथ, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना है। बाकी फ्रेंड अगर आपने TNPL के दोनों मैचेस मदुराई और चेपक वाला ऊपर जो मैच अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड, हमारी वीडियोज में जाके आप देख सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पर वुमेंस का जो मैच खेला जाने वाला है, पहला यॉर्कशायर वाला और ये जो TNPL का बता रहा चेपक का, ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो हमारी वीडियोस में जाके देख लीजिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर सब कुछ बताया गया। बट फ्रेंड ध्यान से सुनना वीडियो को, बिना स्किप करे पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आ पाएगा क्या क्या टीम में हो सकता है और क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, जो वुमेंस का दूसरा मैच खेला जाएगा, इसकी टीम मैंने यहाँ पर बना रखी है। मैं आपको दिखा दूंगा मैंने किस तरह के प्लेयर यहाँ पर ले रखे हैं। और उससे पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना, क्योंकि आज मैं जितनी वीडियोज भी बना रहा हूँ सारी की सारी मैं एम करता हूँ कि हर वीडियो पर 50+ मेरे को लाइक्स मिले। काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड अगर आप लोग लाइक कर दोगे तो पता चलेगा कि हम आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ के लिए लाइक ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्जी है। टीम की बात करें, टीम मैंने यहाँ पर बना के मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से यहाँ पर टीम बना के, क्या टीम कॉम्बिनेशन है। क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आने वाला फ्रेंड, यहाँ पे भी क्रेडिट का अगर आप मैनेज कर लो तो फिर प्लेयर्स ले सकते हो, अदरवाइज आपको एक या दो रिस्क यहाँ पर लेने पड़ेंगे क्योंकि आपकी टीम तभी यहाँ पर बैलेंस बन पाएगी, बिना रिस्क लिए आपकी टीम बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो विकेट कीपर में यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, मिस नहीं करना चाहोगे। बट क्या करें, यहाँ पर मैं रेचल फ्रीस्ट की जो लास्ट फॉर्म है वो फॉर्म देखते हुए यहाँ पर इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, टैमी ब्यूमेंट के साथ जा रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो रेचल फ्रीस्ट को, और दोनों को लेना चाहते हो आप दोनों को भी ले सकते हो, केवल ड्रीम इलेवन। बाकी अगर ऐसे साइड पर खेलते हो जहाँ पर केवल एक विकेट कीपर लेना होता है वहाँ पर आप टैमी ब्यूमेंट के साथ ही जाएँ, हेड टू हेड 3-मेंबर लीग में। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जा सकते हो। बैट्समैन की बात करें, तीन मैंने यहाँ पर बैट्समैन रखे, मंदानो को रखा हुआ, डैनियल वाट को रखा हुआ, यहाँ पर फ्रान विल्सन को रखा। फ्रान विल्सन को रखने का एक ही रीज़न है फ्रेंड, क्रेडिट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर अगर आप ले सकते हो कहीं से फ्रान विल्सन की जगह हैदर नाइट को, जो काफ़ी अच्छी ऑप्शन होंगे क्योंकि बॉलिंग भी करा रही है, तो फिर हैदर नाइट यहाँ पर अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। बाकी अगर आप कहीं से अगर डैनियल वाट की जगह लेना चाहते हो तो ले सकते हो हैदर नाइट को, बट फ्रेंड एक ही जगह के इतने सारे हो जाएंगे तो यहाँ पर टीम थोड़ी बैलेंस गड़बड़ा रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डैनियल वाट को रखा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसको बनाना चाहते हो बना सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर, रख सकते हो अपने टीम मेंबर किसी को भी बना सकते हो। उसके बाद फ्रेंड बात कर ले ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर मुझे चार जो मुझे बेस्ट ऑलराउंडर रखे वो मैंने यहाँ पर रख लिए। अगर आप क्रेडिट मैनेज करने के लिए अगर यहाँ से किसी को ड्रॉप करना चाहते हो, जैसे स्टेफनी टेलर को, तो ड्रॉप मत करना। बाकी दीप्ति शर्मा को अगर ड्रॉप करके आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो दीप्ति शर्मा को, हो सकता है आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से हैदर नाइट को भी ले पाओगे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा जो हैदर नाइट हेड टू हेड 3-मेंबर लीग के लिए, क्योंकि बॉलिंग्स करा रही है तो ये इनका प्लस पॉइंट है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको कैसे टीम बनानी है आप देख लीजिएगा, बाकी मेरी टीम से कॉपी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है मेरी टीम फ्लॉप हो जाए तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करो कि यार तेरी टीम से मैं हार गया। तो फिर ऐसा करने से बचने के लिए प्लीज़ एक या दो चेंज जरूर कर देना हमारी टीम से, बाकी देखते हैं क्या होता है, टीम की परफॉर्मेंस हमारी क्या रहती है। तो ये रहेंगे हमारे चार ऑलराउंडर बेस्ट जो मुझे लगे हो मैंने रख लिए हैं। बाकी फ्रेंड अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो है टॉस के बाद अपडेटेड टीम्स आपको मिल जाती हैं, तो आपको थोड़े आसानी हो जाती है टीम बनाने में, क्रिएट करने में, क्योंकि वहाँ पे सजेशन आपको थोड़ा मिल जाता है कि किस तरह की टीम्स आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है और मैं खुद किस टीम से खेलने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो तो अच्छी बात है, लोग अधिकतर सब्सक्राइब कर लेते हैं बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये चीज़ गलत है फ्रेंड। अगर आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। अब बात जो स्टेफनी टेलर, दीप्ति शर्मा और पोस्टफील्ड को यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद जो चौथे यहाँ पर ग्रिप्त को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है क्रेडिट मैनेज करने के लिए, क्रेडिट मैनेज नहीं पर यहाँ पर दत्तानी को ले सकते हो, दत्तानी भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी यहाँ पर कोई और खास ऑप्शन है नहीं हेड टू हेड 3-मेंबर लीग के लिए। बाकी बात कर लें बॉलर्स की, बॉलर्स में जो मुझे बेस्ट बॉलर रखे तीन वो मैंने रख लिए हैं जो मुझे लगता है कि विकेट ले जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है इनसे हटके थोड़ा आप रहना चाहते हो तो एक या दो बॉलर यहाँ से अलग से ले सकते हो। बाकी फ्रेंड दो बॉलर तो ऐसे इनको मिस मत करना, क्योंकि विकेट ले ही जा रहे हैं, हर मैच में ले जा रहे हैं, तो इनको तो मिस मत करना। बाकी अमंडा वेलिंगटन की जगह आप ट्राई करना चाहते हो किसी और को ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी फ्रेंड अगर आप लोग प्ले स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा, उसे रजिस्टर करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड मंडे से मैं यहाँ पर आपको प्ले स्पॉट की भी टीम से यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, आपको बता दूंगा कि कौन सा मैच कहाँ पे खेलने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हो, मैं आपको तो यहाँ पे हेल्प कर दूंगा पूरी। तो टीम्स आपको यहाँ पे प्ले स्पॉट की भी मंडे से यहाँ पे मिलने वाली है आपको।
तो तीन जो मेरे बॉलर्स हैं अमंडा वेलिंगटन है, फ्रेड डेविस है, उसके बाद निकोल्स है। ये तीनों मेरे जो मेन जो मुझे लगता है। बाकी यहाँ से आप अगर लेना चाहते हो अमंडा वेलिंगटन जी पर ताश फ्रंट को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी आपके पास यहाँ पर क्रेड हो जाते हैं पूरे। तो उसके बाद यहाँ पर आप ब्रायन विल्सन की जगह डेनियल की जगह यहाँ पर ले सकते हो हैदर नाइट को वाट की जगह पर, और इसकी जगह पर ले सकते हो यहाँ से वाट को। इन ये टीम आपकी बैलेंस टीम बन जाएगी अगर इस तरह से आप लोगे तो, ये काफ़ी अच्छी टीम बन जाएगी। तो चले मैं भी अभी फिलहाल इसी को रख लेते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। डेनियल वाट या फिर सुजी बेर दोनों में से किसी एक को रखना होगा, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। कौन फ्लॉप होगा वो किस्मत पर डिपेंड करेगा कौन फ्लॉप होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ से। तो तीन बॉलर जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया, बाकी अगर आप कैसे कैट मार के अमंडा वेलिंगटन को रखना चाहो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये रहेगी मेरी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। बाकी अब बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन। उससे पहले फ्रेंड अगर आप ग्रैंडी, चलो पहले कैप्टन और वाइस कैप्टन बताता हूँ आपको किस तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर बेस्ट रह सकते हैं, बाकी उसके बाद ग्रैंडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये कैप्टन मेरे यहाँ पे स्टेफनी टेलर रहने, और वाइस कैप्टन के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, चारों के चारों ऊपर के बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए फ्रेंड। ठीक है, किसी को भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी अच्छा खासा खेल सकता है। स्पेशली हैदर नाइट थोड़ी एक तो लेट आती है, लेकिन अगर हैदर नाइट की टीम पहले बैटिंग करती है तो फ्रेंड हैदर नाइट काफ़ी अच्छी ऑप्शन होंगी वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि इनकी बैटिंग तो आनी कन्फर्म है ही। अगर 30 से 40 रन ये स्कोर कर देते हैं और उसके बाद ये अगर एक या दो विकेट भी लेगा तो ये अपने आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा काम कर जाएंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कैप्टन मेरी फिलहाल यहाँ पर स्टेफनी टेलर रहनी है, उसके बाद वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा तो हैदर नाइट का करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर डेनियल वाट के साथ जा रहा हूँ, डेनियल वाट को बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं टॉस के बाद देखूंगा मुझे किसको यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड ये तो है कोई हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में टैमी ब्यूमंड को छोड़ के, टैमी ब्यूमंड के फ्रेंड देख लिया परसेंटेज कितनी ज़्यादा आएगी, 11 तक में 88% ऑफ रेंडिंग की। ठीक है, लास्ट मैच में 0 पर गई थी और इनके 72, तो ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं। फायदा तभी होगा जब रेचर भी जो है टेमी बीवन से अच्छा करेगी, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे मंदाना को बहुत लोगों ने रखा फ्रेंड, 73% लोगों ने। अगर आप इनको ड्रॉप करके सूजी बेट फॉर्म में नहीं है, इनको बहुत कम लोगों ने रखा, देखिए फ्रेंड 36%। अगर सूजी बेट जैसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो ग्रैंड लीग में, तो अगर ये परफॉर्म कर जाते तो आपके लिए अच्छा खासा यहाँ ऑप्शन हो सकता है, आपको अच्छी खासी रैंक दिला सकती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ से ड्रॉप कर दो दीप्ति शर्मा या फिर किसी को ड्रॉप करके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो, जैसे एन एस अवसर को कल लास्ट मैच में काफ़ी मार पड़ी थी, परसेंटेज काफ़ी गिर गया, मगर प्लेयर्स बहुत अच्छी हैं फ्रेंड, विकेट काफ़ी अच्छी निकाल सकती हैं, तो आप ऐसे प्लेयर्स को अपने ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड ग्रैंड लीग की बात। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप यहाँ पे ऐसे ही ट्राई करना जो थोड़ा सा हटके हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं आपके लिए ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में काफ़ी स्पेशली अच्छा काम करते हैं ऐसे प्लेयर्स। तो चलिए फ्रेंड ये थी मेरी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। बाकी ग्रैंड लीग के मैंने आपको बता दिया सेशन क्या क्या आप कर सकते हो। तो फ्रेंड अब इसके बाद जो फाइनली अब टाइम हो चुका है हमारा, जो टाइम है वो है जो हमारा सबसे बड़ा, जो हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है इस बार, T20 ब्लास्ट। ब्लास्ट की वीडियो यहाँ पर आपके पास आपको रेगुलर मिलने वाली है। इसके बाद ब्लास्ट का नंबर है, आप टोटल आपको यहाँ पे T20 ब्लास्ट के जितने भी मैचेस हैं सारे मैचेस की वीडियो यहाँ पे मिलने वाली है, और लास्ट में मिलेगी आपको यहाँ पे कनाडा T20 का जो मैच खेला जाने वाला है इसकी टीम, यहाँ पे इसकी टीम में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा सबसे लास्ट में। तो चलिए फिर फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना, स्किप करके बिना स्किप करके देखना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से हमें पता चलता है हम आपके लिए कैसा काम करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।